हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, मैंने पहले से ही आज कार्ड शफल करके रख दिया क्योंकि मैं आप लोग के लिए कुछ बात करना चाहती थी और डीएम के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहती थी। कल मैं डीएम एनर्जी में थी और बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्ड थी गाइज, तो मैंने इसलिए चुना कि मैं ना आऊँ वीडियो पे और सिर्फ पोस्ट्स पे ही अपने ट्रिगर्स को शेयर करती चली जाऊँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स शेयर किए कल। एक ट्रिगर ये था कि डीएम कार्मिक और डीएफ को कंपेयर करता है, और क्योंकि डीएफ ऐसी बंदी है जो डीएम से प्यार करती है, वो उसको कुछ भी करने देती है और अपने आप को कंपेयर भी करने देती है किसी और के साथ। दो, उसको अपना सेल्फ वर्थ पता होता है, और दो, ये पता होता है कि मेरा इस कार्मिक के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो उसके ऊपर मैंने एक पोस्ट डाला। दूसरा पोस्ट मैंने इसके ऊपर डाला कि डीएम को रेगुलरली अपनी याद दिलाने की कोशिश ना करे। ये भी एक बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग इवेंट रहा मेरे लिए, और ये आज तक सर दर्द बना हुआ था। तो अभी अभी मैंने उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया। क्या है कि डीएम के साथ क्या हो जाता है कि उनके जान पहचान वाले जो होते हैं, जैसे अगर हम साथ में काम करते थे, मैं और मेरे डीएम की बात कर लेते, हम साथ में काम करते थे, तो बहुत सारे जन थे जो कॉमन ग्रुप होता है, तो वो लोग के नज़रों में मेरा इम्प्रेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। क्योंकि मैं जब ज्वाइन की थी कॉलेज, इट वाज माय फर्स्ट जॉब, और मुझे जॉब पे रहना आता नहीं था और काम भी मुझे बिल्कुल कुछ आता नहीं था। मैंने सिर्फ एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके उधर गई थी, और जिस मूड में गई थी कि मैं गुरुमा आश्रम से निकली हूँ, अपने गुरु के आश्रम से निकली हूँ, मेडिटेशन और ये सब एक महीना करके प्रॉपरली एकदम बिंदास, एकदम ऐसे मूड में कि एकदम स्पिरिचुअल, और फिर वापस आई हूँ अपने घर, और ये कॉलेज ज्वाइन किया है मैंने। तो मेरा जो मूड था वो बिल्कुल स्पिरिचुअल था, और मैं अपने ही एनर्जी में मस्त और एकदम अलग ही, मतलब फ्रेंडली और ये और वो घोर डीएफ जिसको कहते हैं, वो एनर्जी में थी। तो उनके इन्फ्लुएंसेस जो थे कि ये ऐसी है, ये वैसी है, और बहुत कुछ जो उन्होंने मेरे खिलाफ मेरे डीएम को बोला होगा, जिसके वजह से मेरे डीएम ने प्रिफर किया कि वो मुझे छोड़ दे। ऐसा ही सिमिलर इवेंट, और मैं अपने डीएम के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ थी इस बात पर, और मैंने बहुत ज़्यादा को कम्युनिटी पोस्ट पेपर भी लेकर आई हूँ। और लेकिन यही जब सिमिलर इवेंट कल मेरे, मतलब कुछ टाइम से मेरे साथ चल रहा था, तो मेरे को समझ में आया कि कैसा लगता है वो एक्चुअली में, जब कि एक जानने वालों में से किसी ने किसी की बुराई कर दी थी और बोल दिया था कि मतलब ये जो है, इस बंदे का दिल जो है किसी पे भी आ जाता है, ये ऐसे ही है वैसे ही है, जो भी बोला गया था उसके बारे में कि वो एवही है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है उस बंदे की। तो मैं जो है घोर डीएम एनर्जी में ऐसा था मेरे साथ कि मैं उस बंदे को बिल्कुल भी अपने करीब आने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन लोगों के सामने मेरा इम्प्रेशन ख़राब हो। और ये चीज़ जो है मेरे को बहुत लेट रियलाइज़ हुई कल तक, और वो बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल का ट्रिगर बन गया, तो वो भी मैंने पोस्ट किया। फिर वो जो एवाई वाला जो सीन था वो बहुत हिटिंग कर रहा था कोशिश मेरे ऊपर, और मैं जैसे कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ, मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे ही रहना चाहती थी अपने डीएम के साथ मैं, और अब अपने डीएम दूसरों के इन्फ्लुएंस से ट्रिगर होकर अपने डीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहती थी, या इस चैनल में नेगेटिव रीडिंग्स या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस नहीं लेके आना चाहती थी। तो मैंने इस वजह से प्रिफर ही किया कि मैं इस चैनल से दूर रहूँ एक दिन। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। मुझे ऐसा लगा गाइस कि काफ़ी समय से ये हिटिंग ऑन चल रहा था, तो मुझे ऐसा था कि अवॉइड करो प्रोफेशनल, जितना मैं मेरे लेवल पे इस चीज़ को रख पा रही थी उतना प्रोफेशनल रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस और थोड़ा सा काइंड और कर्टेसी दिखा दी हमने, और स्ट्रिक्टनेस से थोड़ा सा हटके अपने ट्रू नेचर में आने की कोशिश की, तो
मतलब वो हम पे ही उल्टा पड़ गया, जैसे डीएम पे उल्टा पड़ जाता है जब वो डीएफ के साथ फ्रेंडली रहने की कोशिश करते हैं या उनके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं या पॉजिटिव कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो डीएम के साथ भी ऐसा ही होता है कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने उंगली दी तो हमने हाथ ही पकड़ लिया जैसे सिचुएशन हो जाता है। तो मेरे को भी यही फील हो रहा था कल। तो जब तक मैंने ये सिचुएशन जो है अपने और सामने वाले के दिमाग से क्लियर नहीं कर दिया, तब तक मैं इस माइंड फ्रेम में ही नहीं थी। क्योंकि एक चीज़ जो हो रही थी, जो सबसे ज़्यादा गलत हो रही थी, कि उस हिटिंग के वजह से मुझे ट्रिगर्स हो रहे थे और उस ट्रिगर से रियलाइजेशंस हो रहे थे, वो अच्छी चीज़ होगी। लेकिन वो रियलाइजेशंस मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी को अगर खराब कर रहे थे, खराब तो नहीं बोलेंगे हम, ऑब्वियसली कुछ भी डीएम और डीएफ के बीच में खराब नहीं होता, एक लर्निंग लेसन होता है। और मुझे एक बात ये भी समझ आ गई कि मैं अपने डीएम को कितना इरिटेट कर रही थी, फ्रस्ट्रेट कर रही थी, रोज अपनी याद दिला के, या जो भी मेरी हरकतें थी उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। वो सब एक लेवल पे गिल्ट फील हो रहा था कि भाई ऐसे है कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया अपने डीएम के साथ। लेकिन ये गुस्सा भी था कि हम तो बस प्यार में थे, बड़े केयर करना चाह रहे थे उनको, अपनी याद भी अगर कहते हो कि दिलाना चाह रहे थे, तो इस वे में कि हम बेटर ऑप्शन है। और ये चीज़ जो है जब हमारे साथ एप्लीकेबल हुई तो हम सहे ही नहीं पाए उसको, और फाइनली हमने उस चीज़ को एंड कर दिया। तो हमें ये बात रियलाइज़ हुआ कि हम जिस बात के लिए अपने डीएम से नाराज़ हो रहे थे, वो चीज़ें जो है हम पे बीतती है तो कैसा लगता है वो आप लोगों को भी पता चलेगा आने वाले समय में। हर डीएम को डीएफ और डीएफ को डीएम एनर्जी दोनों एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, और ये जो है रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल, एक बेटर लेवल पे लेकर जाता है। ठीक है गाइस, तो ये जो है इसलिए मैंने बोला खराब एक्सपीरियंस कह ही नहीं सकते इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो भी एक्सपीरियंस होता है। लेकिन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मेंटल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन चीज, इन ट्रिगर से डीएम का। तो मतलब रेफ्रेन करें कि उनको अगर मेंटल ब्रेक चाहिए तो उनको वो ब्रेक दे दे जो वो मांग रहे हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी बैड स्टेट दिमाग का जिसमें वो रह रहे हैं, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उनके ऊपर क्या बीत रही है। ये मैं अभी इसलिए बोल पा रही हूँ इस वे में और इतने स्मूथनेस और इतने प्रेम प्यार के साथ कि मुझे अपने डीएम के खिलाफ नहीं बोलना, मुझे अपने डीएम के ये नहीं करना, मुझे इस चैनल पे नेगेटिविटी नहीं लेके आनी, इज बिकॉज मैंने अपने आप को ये सिचुएशन को जब सॉर्ट हुआ तब दो चीज़ें अराइज हुई, एक था गुस्सा और एक था एम्पथी। तो मैंने एम्पथी को चूज़ किया। यूजुअली डीएम गुस्से को चूज़ करते हैं, ठीक है, और सोलार प्लेक्सस को चूज़ करते हैं, और वो चूज़ नहीं करते, वो सबकॉन्शियसली हो जाता है। सबकॉन्शियसली बहुत कुछ डीएम के साथ हो जाता है, वो करना नहीं भी चाहते ऐसे ओवर रिएक्ट, बट उनसे जब वो ईगो से और लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं तो वो रायता फैला देते हैं। तो हमको यही समझ के रहना है कि भाई इनको नहीं पता है जर्नी के बारे में, इनको नहीं समझ आ रहा, तो इनके ऊपर थोड़ी सी दया कर दो, ठीक है। लेकिन हर टाइम ये स्टार्टिंग से चल रहा था कि मैं पहले डीएफ में थी तो एम्पैथी, फिर बहुत ज्यादा ऐसे कि भाई चाहिए ही नहीं है हर चीज में, मतलब रियलाइजेशन लिखना और ये सब। और अभी मेरे को ऐसे लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब बस हो गया है ना। दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से डीएम को भी सिखाना चाहिए कि बाहर वालों का इन्फ्लुएंस नहीं मैटर करता है इस जर्नी में इतना, सिर्फ हम दोनों मैटर करते हैं, आपके और आपके ट्विन फ्लेम। तो ये आप लोग भी अपने दिमाग में रखिए, और जब आप डीएम में जाए या आपके साथ अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है, जब आप अपोजिट एनर्जी में जाए तो ये ध्यान रखे कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को हमने खत्म करना है। ठीक है गाइस, तो अब डीएम की करंट एनर्जी चल रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, गुस्से में है गाइस, बहुत ज्यादा पगलाए हुए हैं आपके डीएम, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनको प्यार चाहिए, उनको नरिशमेंट चाहिए, उनको
सब कुछ चाहिए जो आप ऑफर कर सकते हो, लेकिन सेम टाइम पे उनको ये भी पता है कि इन्होंने आपको जितना हर्ट किया है, बहुत समय लगने वाला है बॉस, बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। लेकिन चैरियट का ये आ रहा है तो काफी सारे डीएम्स का, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो 7 दिनों, 7 से 8 दिन या हफ्तों में आपको आपके डीएम से मिलने का कॉल आ सकता है। ठीक है, करंट एनर्जीज मुझे यही चीज बता रही है अभी कि आपके डीएम इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और 7 से 8 हफ्ते मुझे बताए जा रहे हैं यहाँ पे। जब तक वो काफी कुछ सॉर्ट करके आए, थर्ड पार्टी को सॉर्ट करके आए, बहुत कुछ उनके पास ब्लॉकेजेस भी है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं जो बता रही थी आपको एम्पथी एंड एंगर, तो सोलर प्लेक्सिस और हार्ट चक्रा, जब हार्ट चक्रा बंद होता है तो आप सोलर प्लेक्सिस से ही आप ऑपरेट करते हो, और सोलर प्लेक्सिस आपको सब गलत चीजें कराता है, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में एक बहुत पतली लाइन होती है जो आप 2 मिनट में क्रॉस कर सकते हो बिना रियलाइज किए। कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होता है और कहाँ ईगो शुरू होता है, वो जो पतली सी लाइन है वो आपको समझनी पड़ेगी, वो आपको सीखनी पड़ेगी, स्पेशली डीएम को। और ये जो है मुझे डीएम के चैनल पे क्लियरली, मतलब इस चीज पे आज की हीलिंग में क्लियरली दिखाई दे रहा है, और मैंने खुद इसको पर्सनली फेस किया है तो मैं समझ रही हूँ इस बात को। इस बार मैंने एंगर नहीं, एम्पथी को चूज किया। उम्मीद है आप लोग भी यही करेंगे जब आपका टाइम आएगा तब। फियर्स एंड एनजाइटी, तो मुझे यहाँ पे इनसिक्योरिटी, तो मुझे यहाँ पे डीएम के रूट चक्रा पे काम होते हुए दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी पे उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके जो डर और ये सब है। हाँ, और मैं बताऊँ आपको, जब मैं घोर डीएम में चली गई थी तो डर की तो क्या ही बात करने गाइज। अब जब मैं डीएम एनर्जी में जाती हूँ, ये डर और एनजाइटी बहुत इस लेवल का होता है। अगर मैं शिफ्ट भी हो गई होती थी ना पहले, तो मैं इस लेवल पे शिफ्ट अगर हो जाती थी तो मेरा रिएक्शन जो आता था एनर्जी शिफ्टिंग का, वो इतना ट्रॉमा हो बड़ा रिस्पॉन्स हो जाता था, इतना बड़ा रायता फैल जाता था। मैं घर पे चीखना चिल्लाना, गुस्सा कि मैंने ऐसे क्या कर दिया कि मैं वापस डीएम एनर्जी में आ गई, और मैंने से कौन से पाप कर दिए, इससे क्यों बात कर ली, मेरी एनर्जी शिफ्ट हो गई। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, विक्टम मेंटालिटी हो जाती है। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा सटल हो गया है, और अब मेरा ऐसे हो गया है कि अगर मैं डीएम में चली भी जाती हूँ तो मैं, मेरे को पता होता है कि अभी मैं ठीक है डीएम में हूँ, अब रात तक मेडिटेशन कर लूंगी तो ठीक हो ही जाऊंगी। और क्यों गई हूँ वो भी मैं समझ जाती हूँ कि कोई ना कोई लेसन भगवान बताना चाह रहे होंगे उसको भी और मुझे भी, तो कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, तो इस वजह से हमको शिफ्ट कराया गया है, तो इतना डरने की बात नहीं है। रात को जब मैं मेडिटेशन करूंगी सब ठीक हो जाएगा, ये एक भरोसा रहता है। और इस वजह से फुल ट्रिगर में मैं पगला नहीं जाती हूँ अब जब मैं डीएम एनर्जी में जाती हूँ तो। पर जब मैं अभी कुछ 3 साल पहले, तो जब मैं डीएम में जाती थी तो मतलब पूरा घर ही ऊपर नीचे कर देती थी। खैर एनीवेज, सॉरी गाइस, मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीएफ के लिए एक ब्रोकन हार्ट है। हाँ, डीएफ बहुत ही ज्यादा ब्रोकन हार्ट से गुजर रही है, जो मैं भी गुजर रही हूँ और जिसकी रिपेयरिंग हो रही है यहाँ पर। क्योंकि गाइस मैं आपको बताऊँ, डीएम से डीएफ में आने के बाद जो मैं रोई हूँ, इट इज अ ट्रॉमा कि भाई डीएम से डीएफ में वापस आने के बाद, ऐसे जब चीजें आपके अच्छे के लिए होने लगती है, स्मूथली लाइफ चलने लगती है, तो ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया था मेरे साथ और मैं कहाँ चली गई थी। और मतलब एक मजबूरी में रोना, जिसको कहते हैं एक डिप्रेशन में रोना, कि कितना बड़ा अब्यूज हो गया मेरे साथ, वो वाली फीलिंग आती थी मुझे। मतलब एक क्लास भी अटेंड करो तो उस क्लास जा करना चाहो, और मतलब जैसे मैंने एक डांस क्लास के लिए रजिस्टर किया था या पियानो क्लास के लिए रजिस्टर किया था, और वो पियानो क्लास में एक दिन नहीं गई तो उस एक दिन के फीस भी मुझे गिनाए जाते थे, इतना मतलब डीएम। और जो एक राजकुमारी की तरह रही है, फाइनेंशियली बोलूंगी, इमोशनली तो
कभी भी डीएफ का सॉर्टेड नहीं होता। एक चीज ही आपको मिल सकती है, कुछ ही चीजें आपको लाइफ में मिल सकती है जब तक आपने अपनी हीलिंग ना की हो। तो हीलिंग के जब तक नहीं हुई हो तब तक तो एक ही चीज आपको मिलती है, या तो फाइनेंसेस या तो लव। तो फाइनेंशियली मैंने कभी ये सब प्रॉब्लम्स देखे ही नहीं थे। ऐसे एक-एक क्लास की फीस या अपने ऊपर खर्च किया तो रुला दिया, या कोई गिफ्ट ही नहीं मिलना, जिसको दिन में 10-10 बार कभी गिफ्ट मिला करते थे, महंगे महंगे गिफ्ट्स, उसको एक चीज के लिए भी अपने लिए अपने से खर्च करना पड़े। तो इट वॉज अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस गाइस। तो जब मैं, बहुत बार ऐसे हुआ कि डीएफ में आने के बाद मेरे को ऐसे मतलब हिल गई थी मैं अंदर से काफी बार। तो गाइज डीएफ की ये सिचुएशन आप लोग भी रेजोनेट कर पाओगे, लेकिन अभी क्लैरिटी मिल रहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। डीएम को भी डीएफ की जिंदगी देखना जरूरी था, डीएफ को भी डीएम की जिंदगी देखना जरूरी था। और सच बोलूँ तो किसी की भी जिंदगी इतनी अच्छी तो नहीं चल रही है। अगर आपको लग रहा है यहाँ बैठे बैठे कि मेरे से बेहतर तो मेरा डीएम जी रहा, एक दिन आप इस पे पछताओगे। खैर एनीवेज, तो डीएफ को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस। ऑल्सो गाइज आपको आपके फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कोई नहीं होंगे डीएफ हो जाओगे अगर आप तो। और आपके कार्मिक्स से बहुत ज्यादा कॉर्ड कटिंग मुझे दिखाई दे रहा है। देखते हैं डीएफ के चक्रास में कौन सी हीलिंग चल रही है, क्या एनर्जी चेकअप है। बाउंड्रीज देखिए गाइज, बाउंड्रीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि डीएफ का सोलर प्लेक्सस चल ही नहीं रहा होता है तो उसको बाउंड्रीज में रहने आता ही नहीं। अब ये कौन सी डीएफ की गलती थोड़ी है, भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा है उसको। तो अपने और दूसरों के बाउंड्री सेट करने और ये करने डीएफ को कभी आया ही नहीं रिस्पेक्ट करने, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर अगर आप किसी के बाउंड्रीज नहीं रिस्पेक्ट करते हो गाइस, तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाता है कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और टॉकेटिव, हाँ बहुत ज़्यादा बात करने का शौक, ये भी चीज़ हो रहा है कि अभी मेरे को मन ही नहीं है डीएफ में जाने के बाद भी ज़्यादा लोगों के साथ। उल्टा कोई बोल दे मैं नहीं आ रही हूँ आज कोई फ्रेंड, तो मेरे को ऐसा लगता है हाउ रिलीफ, मतलब सच बता रहे हैं आपको, चैनल पर ही बता दे रहे। बट ये मेरी गलती नहीं है, ये पहले ऐसे डीएफ में होता था कि मेरे को 15-25 लोग चाहिए अपने बर्थडे पे, 15-25 लोग चाहिए दिवाली पे। अभी वो सीन ही नहीं है, पता नहीं अब मैं घोर डीएफ में जाऊंगी तो क्या करूंगी। लेकिन अभी के लिए जब मैं डीएफ में हूँ, मेरे को शांति ज्यादा पसंद है। जो चीजें मेरे को चाहिए थी वो डीएम में पूरी तो हुई, जैसे मैं डीएम में थी तो मेरे फ्रेंड्स में घर पे आके हम लोग सब लोग यही तैयार होके यही जाए, और पूरी रात पूरा दिन। बट जब मेरे को वो सब ड्रीम में रियलिटी में एक्चुअली में मिला, इट वॉज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। ठीक है गाइस, वो भी पूरा हुआ, ऐसे नहीं है, अपोजिट एनर्जी में जाके आपके सपने भी पूरे होते हैं। खैर अब हम जर्नी के बारे में बात करके इस रीडिंग को खत्म करते हैं। जर्नी की बात करें तो आपको जस्टिस बहुत जल्दी मिलने वाला है, जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टे इन योर पावर बोलूंगी मैं, कि आप लोग बहुत सिंपल हो, बहुत एलिगेंट हो, बहुत जैसे आप हो वैसे बेस्ट हो, उसी में रहा करो, को किसी की मत सुना करो। ठीक है, और ये जो है आपके कार्मिक साइकिल्स खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखो गाइज, आपका यहाँ पे कार्मिक साइकिल्स खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे यूनियन जैसा सिचुएशन, यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली है और सब लोग मिलके देख रहे हैं, एक रेनबो है जो हैप्पी मतलब हैप्पीनेस और कलरफुल लाइफ को डिपिक करता है, एक बर्ड है जो फ्रीडम को डिपिक करता है, एक नहीं एक से ज्यादा ही है, और एक है नीड नेसेसिटी कंस्ट्रेंट। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे डीएम्स को ये प्रॉब्लम नीड नेसेसिटी कंस्ट्रेंट का फेस करना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो आपको ऐसे लग सकता है कि मेरा डीएम मतलब सिर्फ पैसे 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 करता रहता है, तो समझिएगा उस बात को। जब घर पे 500 रुपये भी ना हो, किसी के आपको नहीं है तकलीफ, लेकिन अगर सामने वाले को ना हो पैसे और उसकी लाइफ झंड जा रही हो, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब जा रही हो, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हो मनी को लेकर, बहुत ज़्यादा खर्चे, जितना वो कमा नहीं रहा पूरा उड़ा दे रहा है, तो उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और स्पेस देने की। तो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।